मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन आदाब, अखबारों की सुर्खियों के साथ हम हाजिर हैं। रोजनामा अखबार मशरिक दिल्ली, कोलकाता, रांची, लखनऊ, भोपाल और कश्मीर ने नतायज के बाद बंगाल में तशद्दुद, 9 लाख, वजारत दाखिला ने रिपोर्ट तलब। हम जानते हैं कि बीजेपी और मरकजी हुकूमत ने तशद्दुद किया है, लेकिन लोग अमन कायम रखें, ममता। इससे पहले खबर बनाकर नुमाया तौर से शाया किया है। मीडिया को रिपोर्टिंग से नहीं रोका जा सकता, सुप्रीम कोर्ट की वजाहत। इसे दूसरी खबर बनाकर नुमाया तौर से शाया किया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस दिल्ली ने ऑक्सीजन की कमी से अमवात का सिलसिला जारी, कर्नाटक के सरकारी अस्पताल में 24 लोगों की मौत। इसे पहले खबर बनाकर नुमाया तौर से शाया किया, जबकि मोहम्मद शहाबुद्दीन आईटीओ कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक मैयत को सिवा नहीं भेजे जाने पर लोगों ने नाराजगी जताई। इसे दूसरी खबर बनाकर नुमाया तौर से शाया किया है। रोजनामा उर्दू टाइम्स मुंबई ने इलेक्शन खत्म होते ही फिर से लॉकडाउन की दस्तक। अदालत उज़्मा ने मरकजी हुकूमत को कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन लगाने की हिदायत दी। कोविड टास्क फोर्स ने भी सिफारिश की। इसे पहली खबर बनाया है। और मीडिया अदालती अमल के तकद्दुस का निगहबान है। अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को सलाह, अदालती तबसरों को मुस्बत मानी मिले। इसे दूसरी खबर बनाकर नुमाया तौर से शाया किया है। और तीसरे महाज की तश्कील के लिए कोशिश तेज होने से बीजेपी की नींद हराम, शरद पवार मुल्क में तमाम गैर बीजेपी जमातों को मिलाकर तीसरा महाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं नवाब मलिक। इसे पहले सफा पर नुमाया तौर से शाया किया है। मुंबई उर्दू न्यूज़ ने शहाबुद्दीन का जस्त खाके सिवा नहीं ले जाने दिया, हुकूमत की बदतरीन मुस्लिम दुश्मनी। उसामा शहाबुद्दीन अकेले सिस्टम से लड़ रहे थे, 3 दिन बाद मखसूस अफराद की मौजूदगी में तदफीन। आरजेडी की खामोशी पर गम गुस्सा, पार्टी कारकुनान के इस्तीफों का सिलसिला जारी। इसे एंकर स्टोरी बनाकर नुमाया तौर से शाया किया है। और कर्नाटक में ऑक्सीजन की किल्लत के 24 अफराद की मौत, इसे टॉप कॉर्नर पर शाया किया है। रोजनामा सियासत, हैदराबाद में ऑक्सीजन खत्म, कर्नाटक में 23 कोरोना मरीज फौत, सिस्टम आखिर कब जागेगा राहुल। वाकई की इंक्वायरी के लिए चीफ मिनिस्टर येदुरप्पा की हिदायत, इसे पहले खबर बनाकर नुमाया तौर से शाया किया है। और दोबारा गिनती कराऊं तो मेरी जान को खतरा, ममता बनर्जी। नंदीग्राम से रिटर्निंग ऑफिसर का ट्वीट पेश किया, इसे टॉप कॉर्नर पर नुमाया तौर से शाया किया है। रोजनामा मुंसिफ, हैदराबाद में लॉकडाउन नाफिज करने पर गौर किया जाए, मरकजी और रियासत को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। वैक्सीन के मुख्तलिफ दाम पर एतराज, इससे पहले खबर बनाया है। ममता बनर्जी कल चीफ मिनिस्टर के ओहदा का हल्फ लेंगी। आइंदा लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी के खिलाफ मुतहदा अपोजिशन की लड़ाई की हिमायत। कोविड बहरान से निमटना अवालीन तर्जी, गवर्नर से मुलाकात से कबल तृणमूल सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस दूसरी खबर बनाकर नुमाया तौर से शाया किया है। रोजनामा कौमी तंजीम पटना ने बिहार में लॉकडाउन का इम्कान, आज अहम फैसला मुतवक्का। वज़ीर आला ने राजधानी की सड़कों पर निकलकर हालात का जायजा लिया, अफसरान के साथ मीटिंग की, आज फिर नशिश्त। इसे पहली खबर बनाकर नुमाया तौर से शाया किया है। रोजनामा पिंडार पटना ने अदालत के सख्त तबसरे, कड़वी दवा की घोट, मीडिया की जवाबी तबसरे की रिपोर्टिंग से नहीं रोका जा सकता, सुप्रीम कोर्ट। इसे पहली खबर बनाकर नुमाया तौर से शाया किया है। रोजनामा आग, लखनऊ ने यूपी कोरोना कर्फ्यू में 2 दिनों की तौसे, इसे पहले खबर बनाया है। और कड़वी दवा की तरह सख्त तबसरा, सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन को धारस। मद्रास हाई कोर्ट के कत्ल तबसरा पर फैसला महफूज, मीडिया पर कदगन से इनकार, इसे एंकर स्टोरी बनाकर नुमाया तौर से शाया किया है। अब तक के लिए इतना ही, फिर एक नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।